अब गाइस प्लीज सुनो, अपन लोगों ने, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, पहले मीन डिविएशन जो निकाल रहे थे अपन ने, मीन निकाला था और ऑब्जर्वेशन से जो उसका डिस्टेंस था वो निकाल के अपन ने मॉड्यूलस कर लिया था। मतलब वो अपने पॉजिटिव बनाने के लिए किया था, एक पॉजिटिव बनाने का मॉड्यूलस तरीका था। अब एक और तरीका पॉजिटिव बनाने का है, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, उसको स्क्वायर कर दो। यानी क्या हो गया है, पहले देखो, अगर आप लोगों का मीन कुछ आया था 5 और आपका ऑब्जर्वेशन था कुछ 2, तब 2 - 5 का मॉड करके 3 लिख रहे थे। अब एक और तरीका क्या है इसका, कुछ 2 - 5 का स्क्वायर कर दो, ये 9, तो भी पॉजिटिव बन रहा है। सर ये और ये सेम नहीं है। अभी मैं सेम बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो चीज़ जब करोगे और फिर तुम लोग उसका मीन निकालोगे तो वो क्या बन जाएगा बच्चा लोग, मेरा वेरियंस, दैट विल गिव यू वेरियंस। नहीं नहीं तेरे को अच्छा लगा है मान ही चलेगा। अब यहाँ से क्वेश्चंस तुम्हारे को 12th में भी आने वाले हैं, वेरियंस स्टैंडर्ड डिविएशन से, ठीक है। रुक जाओ बेटा, 12th में अगर पढ़ाओगे ये वाला तो तुम यही बोलोगे कि काश 11th में पढ़ाया होता। इसे प्लीज अब ध्यान दो, वेरियंस को हम लोग सिग्मा स्क्वायर से भी करते हैं, ये जो है इससे स्क्वायर से भी करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से भी करते हैं, ठीक है। इसको भी सिग्मा ही बोल दो, तुम इतना स्ट्रेस मत लो उस चीज़ का। तो अब देखो शांत, तुम्हारा मीन डिविएशन का फॉर्मूला क्या हुआ था, समेशन ऑफ, अगर मैं वो सिंपल वाला देखूंगा तो ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का मॉड्यूलस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था। तो वैसे यहाँ पे मेरा वेरियंस, या इसका वेरियंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा लोग, मेरा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स एन मीन का स्क्वायर अपॉन एन। देख तेरे को लास्ट इसमें अभी तक के मैं क्या करा रहा था, तेरे को मैं मीन डिविएशन करा रहा था, तब तू सबका ऑब्जर्वेशन के मीन से डिस्टेंस का मॉड्यूलस कर रहा था, उनका सम कर रहा था, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर रहा था। अब इस बार मैंने तेरे को वेरियंस जो बोल रहा हूँ उसमें तुझे क्या करना है, ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस फ्रॉम मीन निकालना है और उसका स्क्वायर करना है अपॉन एन। तो ये दो अलग अलग आंसर्स आने वाले बेटा। ये तेरे को मीन डिविएशन अबाउट मीन देता था, ये तेरे को वेरिएंस देने वाला है। ये दो अलग अलग मैट्रिक्स है देखने के डेटा को, जैसे मीन मोड मीडियन अलग अलग मैट्रिक्स थे देखने के, वैसे ये भी अलग अलग मैट्रिक्स है, ठीक है। शान ओए यहां तक समझे आप लोगों को, हाँ वैसे ही। तो ये अलग चीजें है, वो तेरे को अब उसका मतलब तेरे को आगे धीरे धीरे समझेगा उसका स्ट्रेट्स मतलब वेरियंस। तुम, मैं तो कोई बोला तुम क्या हुआ मत सोचो यार, क्यों हो रहा अभी देखो तुम लोग, डू नॉट थिंक व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इट इज हैपनिंग देखो, ठीक है ना। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वेरियंस एक अदर टूल है, वेरियंस एक टूल है, बस खत्म हो गया। अब ध्यान दो गाइस, प्लीज ध्यान दो। अब मैं तुम लोगों को कुछ चीजें जो लिखा रहा हूँ ना, वो तुम लोगों को याद है क्या, तो अपन जब सेट्स चैप्टर कर रहे थे जिन्होंने किया था, तब मैंने आपको बताया सिंबल्स का आप लोग मतलब लिख लो वगैरह, या कहीं पे भी जहाँ पे आपको लग रहा है वहाँ पे मैं आपको कुछ फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, आप वो लिख लीजिए। समेशन ऑफ वन, समेशन ऑफ वन मतलब क्या है, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन कब तक है, एन टाइम्स, वो हो जाता है एन, ठीक है। समेशन ऑफ एन मतलब क्या होता है, मैं स्टार्ट करूंगा वन से एंड करूंगा एन पे, तो जगह 1+2+3+4+5+6+7+8+ करते 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 एन तक क्या आएगा, तो वो हो जाएगा कितना, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। और इसके सिवाय समेशन ऑफ एन स्क्वायर वन से लेके एन तक हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। अब देखो समेशन ऑफ वन का मतलब क्या हो रहा है, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस ये एन टाइम्स हो रहा है, ठीक है। समेशन ऑफ एन का मतलब क्या हो रहा है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस ये एन तक के हो रहा है। और समेशन ऑफ एन स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, ये हो रहा है। तुम लोग पहले ये इतना अपने पास लिख के रख लो, ठीक है, हाँ वो फॉर्मूला है बच्चा वो, ठीक है ना, वो याद रख लो। हाँ है
नहीं अभी सॉल्व करवाऊंगा ही नहीं मैं तुमको, बस ये समझाऊंगा मैं। नहीं, इसके पहले जो वो तुमको होमवर्क खुद से करना है भैया वो तो। हाँ काय के नीचे बेटा, वो आई इज इक्वल, रुक जाओ वो आई नहीं होगा यार, वो अब एन हो जाएगा तुम लोगों के लिए। एन इज इक्वल टू वन से एन लिख लो उसको, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू वन से लेकर एन तक ले, जो तूने सीक्वेंस सीरीज के फर्स्ट एक्सरसाइज में किया ना बच्चा, ये वो चीज़ लिखी हुई है। अब तुम लोगों को ये सिग्मा वगैरह लिखा हुआ के ऊपर और नीचे लिखा हुआ नहीं आने वाला है, तो तुमको अज्यूम करना पड़ता है वन से लेके एन है वो। लाहौटी जी को समझ में आ रहा है? ये देख तेरे को इसका मतलब ये होता है समझा है, उसकी वैल्यू ये रटना है तेरे को, इसका मतलब ये होता है तेरे को समझा है, उसकी वैल्यू ये होती है रटना है तेरे को। वो ये तो भाई एपी का सम है, और ये तेरे को रट के रखना है खत्म। तो रट के रख, मैं तेरे को बोलता रहा मेरे भाई अभी के लिए। ये सेकेंड वाला कैसे आया? तो एस एन है, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन टू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, खत्म। तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू उससे आया है। वो रटना है तुम लोगों को। क्या बेटा? अच्छा क्यूटी, ये तो फॉर्मूला गिने ही नहीं अपन ने, अलग ही प्यारे बच्चे हमारे यहाँ के। ये वो तीन फॉर्मूला जो रटने थे। रुको 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 रुको, मैं अब तुम लोगों को एक डेरिवेशन बता रहा हूँ जो पूछने नहीं वाला है, बट देख लो, मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ देख लो। वो अगर डेरिवेशन तुम्हें नहीं समझे तो तुमको समझते नहीं, ये दो एक्चुअल में सेम चीज़ें थी, ठीक है ना। इसलिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, देख लो एक बार। हाँ यार कैसे लिखा क्या है ये, बस रट लेना यार क्रिश। हाँ समेशन ऑफ वन हमेशा एन होगा, समेशन ऑफ एन ये होगा, समेशन ऑफ एन स्क्वायर ये होगा, रटना है खत्म। हाँ गाइस शांत अभी, एन टाइम्स है ना, एन टाइम्स है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर एन तक के है, ये वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तक के है, ठीक है। अब गाइस प्लीज देखो, अब देखो अपन लोग ना एक फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूला पे अब आने वाले हैं। ये देखो अपन लोग सॉरी ये अपन लोग ये यहाँ वाला जो फॉर्मूला अपन ने लिखा था कहाँ गया, सिग्मा स्क्वायर का ये वाला जो फॉर्मूला था, वहाँ से अपन लोग यहाँ पे आने वाले हैं। अभी थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। देखो अपन लोगों ने अब भी देखा है हमारा वेरियंस कितना होता है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। मतलब ये क्या हो रहा है, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस टू एक्स आई इंटू मीन प्लस मीन का स्क्वायर अपॉन एन। अब आप लोग सबको इंडिविजुअली समेशन दे सकते हो, तो ये बन जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस टू टाइम्स समेशन मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ टू टाइम्स एक्स आई इंटू मीन का अपॉन एन प्लस समेशन ऑफ मीन का स्क्वायर अपॉन एन। अब सुनो, जो वैल्यूज कांस्टेंट है जो चेंज नहीं होने वाली है उसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ समेशन से। मतलब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ भी कांस्टेंट नहीं था, एक्स आई हर ऑब्जर्वेशन की वैल्यू अलग अलग थी मेरी, तो ये तो मेरा वैसा का वैसा रह गया है। यहाँ पे टू कांस्टेंट है मेरा, हाँ मेरा मीन भी कांस्टेंट है, तो दोनों के दोनों समेशन के साइन से बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे मेरा मीन कांस्टेंट, तो मीन का स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो ये समेशन वन बचा अपॉन एन। देखो अब ये तो वैसा का वैसा रह गया है मेरा, माइनस टू टाइम्स ये, इसकी वैल्यू कितनी होती है, समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मीन ही होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये देखो ये अगेन मीन हो गया है, प्लस ये तो हो गया था समेशन ऑफ वन क्या होता है आपने देखा है, एन अपॉन एन, सॉरी अपॉन एन लिखना हो जाता है ये, और ये कट गया तुम्हारा। तो देखो अभी कुछ गलती हुई है क्या, एक नहीं गई
नहीं नहीं एक सेकंड, सॉरी ये अपॉन एन गलती से लिखा है मैंने, लिखना भूला ही था मैं, इसकी वैल्यू ही तो मीन के बराबर हुई थी ठीक है ना। हाँ तो देखो, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ओवर एन माइनस टू मीन का स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया है हमारे पास, अब दो फॉर्मूले हो गए हैं। तुमको ये डेरिवेशन नहीं रटना है, ये दोनों के सेम ही चीज है। कौन सी दो चीजें सेम है बच्चा लोग? ये समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर ओवर एन इज इक्वल टू, ये है जो दोनों की दोनों क्या है बच्चा लोग मेरे, ये मेरे वेरियंस है। वेरियंस को मैं डिनोट कैसे करता हूँ? सिग्मा स्क्वायर से करता हूँ। तो सिग्मा स्क्वायर क्यों कर रहे हो? कि सिर्फ सिग्मा जब लिखूंगा ना मैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा, तो वो इसका अंडर रूट हो जाएगा तब। वो ईजी चीज़ है, उतना स्ट्रेस वाली नहीं है। देख तेरे को ये समझा गया मैंने डेरिवेशन करके दिखाया, ये और ये इक्वल है। कैसे किया डेरिवेशन में स्ट्रेस मतलब है तू? तेरे को ये समझ आया दोनों चीज़ें इक्वल है। जैसे लास्ट ईयर अपन लोग ना मीन के लिए मल्टीपल फॉर्मूले थे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, एक और था, वैसे ही यहाँ पे वेरियंस निकालने के देखो मल्टीपल फॉर्मूला है जो दोनों की दोनों तुझे सेम आंसर देने वाला है। पहला देखो, ये फॉर्मूला तो मैंने देखो वहीं से समझा दिया था, मीन डिविएशन से कैसे ये थी सिमिलर करके अगर आया हूँ मैं, वहाँ से मैंने डिराइव कर करके ये लाया है। देखो डेरिवेशन समझना है तू बोल रहा है अगर, तो डेरिवेशन को पूछने वाले है नहीं, तो तू ये याद रख ले कि ये दोनों चीज़ें इक्वल है ठीक है। कब ये फॉर्मूला काम में आएगा, कब ये फॉर्मूला काम में आएगा तो वो कल के क्लास में बताऊंगा। तू चाहे हर क्वेश्चन में इससे कर सकता है और हर क्वेश्चन में इससे कर सकता है, बट स्मार्टली अपनी मेहनत बचाने के लिए कब ये यूज़ करना है कब ये यूज़ करना है बताऊँगा तो कल के क्लास में। ये दोनों चीज़ें क्या देने वाली है? वेरियंस। एक और चीज़ होती है स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसका अंडर रूट अगर मान ले वेरियंस की वजह 9 आ रही है तो स्टैंडर्ड डिविएशन तेरा 3 हो जाएगा। वो चीज़ के बारे में अपन कल देखने वाले हैं ठीक है। तो अभी ये दो फॉर्मूले होते हैं, जो दोनों फॉर्मूले मैं कल तुमको लिखाऊंगा उसके ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे। बट प्रॉब्लम यही है, यहाँ पे अगेन परेशानी होगी अगर आज का तुमको एफ आई वाला कैसे घुस रहा है अंदर वो समझ में नहीं आया है तो। और जिनको वो समझ में नहीं आया है उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो देख के आना वो वाले पार्ट का, यानी वो जब अपन ने ये तो अपना क्या था बेटा, या अनग्रुप डेटा था, फिर अपन ने ग्रुप्ड डिस्क्रीट डेटा वाले में जो एफ आई घुसा था वो वाले की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जो नहीं नहीं वो मीडियम वाला था वो हो गया था। हाँ बोला भैया, हाँ अंडर रूट ऑफ वेरियंस निकाल रहे हैं मीन डिविएशन ऑफ मीन कैसे, वो इसका अंडर रूट है ना बच्चा, वो इसका अंडर रूट में ये स्क्वायर और ये थोड़ी कटता है ऐसा। सुन समेशन ऑफ एन स्क्वायर का अंडर रूट इज नॉट इक्वल टू समेशन ऑफ एन। देख समेशन ऑफ एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो रही है तेरी, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन ओवर सिक्स, उसका अंडर रूट इज नॉट इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। और समेशन ऑफ एन स्क्वायर का मतलब है वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज नॉट इक्वल टू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर। समझाई चीज़ क्या हो रही है? ये जो तेरे डाउट्स जो आ रहे हैं बहुत कॉमन डाउट्स है, तुमको अभी नहीं तुमको बी कॉम में भी आने वाले हैं इलेवन ट्वेल्थ मार्क्स करने के बाद में भी, अगर तुम लोग अभी कंसेप्ट को नहीं समझोगे तुम सिर्फ फॉर्मूला रटने का सोचोगे तो। और मैं तुमको जेन्युइनली बता रहा हूँ तुम्हारे स्कूल में भी तुमको सिर्फ फॉर्मूला बताया गया है अगर तुमने गलती ध्यान दिया है और सॉल्व करके टेबल रट लो टेबल क्या बनाते हैं। और मेजर ट्यूशन मैं कोई आसपास में जो ट्यूशन में टीचर लोग पढ़ाती है ऐसा नाम नहीं ले रहा हूँ ठीक है ना, मैं कोई नाम नहीं लेता हूँ मैं, बट एग्जैक्टली यही चीज़ बताई गई है उन्हें कि ये रट लो टेबल ऐसा बनाया जाता है। और तुमको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ अगर तो उनकी कॉपियाँ खोल के देख लेना, क्योंकि मेरी खुद की आयुषी तुलसियां स्टूडेंट थी, मैं नाम नहीं लोग इसके यहाँ की, बट एग्जैक्टली उसने वही बताया कि हमको बताया गया टेबल रट लो टेबल बनाना पड़ता है या निकालना पड़ता है। क्यों क्या उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमको ट्वेल्थ वालों को वैसे पढ़ाना पड़ रहा है, हम ट्वेल्थ वालों को समझा ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी लिटरली। और जो तुम लोगों को ट्वेल्थ में समझ में आएगा आई एम होपिंग सो जब स्टैटिस्टिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चे सी एफ ए यू एफ ए एम करते हैं एक्चुरीज एम करते हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं होता सी एफ ए क्या होता है एक्चुरीज क्या होता है, बस नाम अच्छे लग जाते हैं इसलिए एम करते हैं। अभी लाख रुपए के ऊपर फीस होती है सी एफ ए की और डुबा देते हैं, क्योंकि समझते नहीं हो क्या रहा था। बी कॉम बी बी ए जाते हो तुम अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्राइस्ट में जाते हो, ये क्या है मुंबई का वो क्या है एन एम आई एम एस अच्छी जोड़ी है अच्छी जेवियर्स वगैरह में जाते हो, कोलकाता वगैरह में सिम्बॉइसेस वगैरह जाते हो, या फिर ये निर्मा वगैरह जाते हो, या दिल्ली में जाते हो, और फिर तुम अपना नाम बदनाम करके आते हो वहाँ पे, क्योंकि तुमको समझ में ही नहीं आएगा बी कॉम बी बी ए में स्टैटिस्टिक्स में क्या हो रहा है।
इसलिए भी समझ लो, ठीक है ना। चले गाइस, आई एम एंडिंग द सेशन, बाय गाइस।